ऑफ कोर्स यार, व्हेन यू गेट हर्ट तो ऐसी चीज़ें होती है तुम्हारे साथ, रिजेक्शन वाली फीलिंग। बहुत लड़कियाँ, बहुत लोग हैं, उनको लग रहा होगा एक्टिंग लाइन बहुत ईजी है शायद, बट मुझे लगता है बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। मैम मत करो, मैं मुझे गालियाँ पड़ती है आपके फैन से। हाई, दिस इज शहनाज गिल एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन इंडियन एक्सप्रेस। लव यू ऑल। तो सलमान सर को मैंने पहले ही बोला था मुझे ट्रॉफी नहीं जीतनी, आप मुझे अपनी मूवी में काम कर दे देना। मैंने पहले हफ्ते ही मुझे लगता है बोल दिया था उनको, तो उनको शायद याद होगा, है ना? तो वो वही हुआ है मुझे लगता है मेरे साथ। मैं बस यही जर्नी को जब देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार, किसी का भी टाइम, किसी का भी पास्सा कभी भी पलट सकता है। सो कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि हम जब सेट पे किसी को बुलाते हैं और वहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं इंसान को, और वहाँ से कितना पहले कर दो ना रिजेक्ट, तो वहाँ से वापस भेजते हैं कि ये बच्ची है, इसको कैसे लेंगे हम ना, तो पहले ही बोल देते हैं कि नहीं लेना। तो वो चीज़ें हर्ट करती है, और ऑफकोर्स वो लोग जब सुनते होंगे तो वो अब तो उनके हाथ से कहाँ ही मैं हाथ में आऊँगी, अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ अपनी नज़रों में। ऑफकोर्स यार, व्हेन यू गेट हर्ट तो ऐसी चीज़ें होती है तुम्हारे साथ, रिजेक्शन वाली फीलिंग। तो रिजेक्शन वैसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी ऑल्सो के शी इज़ बच्ची, मैं इसके साथ कैसे शूट कर सकता हूँ। तो सी, पता क्या होता है, एक्टिंग लाइन में ईजी नहीं है। हम लोग बोल देते हैं कि हमें एक्टिंग लाइन में आना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। बहुत लड़कियाँ, बहुत लोग हैं, उनको लग रहा होगा एक्टिंग लाइन बहुत ईजी है शायद, बट मुझे लगता है बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री में आने के लिए, और बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, ठीक है, अगर तो तुम आउटसाइडर हो। तो अगर आप में टैलेंट हो, आप यूनिक हो, तो फिर आप निकल सकते हो जल्दी। तो मेरी पर्सनैलिटी यूनिक थी तो मैं निकल गई। थैंक यू बोलना चाहती हूँ बिग बॉस वालों को, कि उनको मैं कहाँ ही भूल सकती हूँ, जहाँ से कहते हैं ना अच्छी शुरुआत हुई हो, तो वो चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए। तो अगर मैं बिग बॉस में नहीं जाती तो आप मेरी इंटरव्यू नहीं कर रहे होते आज। बट यस, मुझे एक रियलिटी शो ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, और मेरी रियलिटी ने मुझे बनाया है। सो थैंक गॉड, मुझे भी मेरे बारे में जानने को मिला बिग बॉस से कि दिस इज़ मी। ओके, मुझे तो ये पता ही नहीं था मैं ये हूँ। तो वो तुम अपना देख लेते हो तुम क्या चीज़ हो, तो वो खुद के बारे में पता चलता है। बहुत मेहनत की है बिग बॉस, 4 महीने मैं रही हूँ उस शो में, लोग मेरी रियलिटी के साथ कनेक्ट किए हैं, और वहाँ रहना बहुत मुश्किल जॉब है, एक बहुत बड़ा टास्क है, इतना टॉर्चर होते हो तुम लोग वहाँ पे जाके। सो ओवरनाइट नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं कि लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट किया है मेरी रियलिटी के साथ। एंड यस, आई एम लकी कि लोगों ने मुझे जाना मेरी रियलिटी से, एंड ये कंटिन्यू हो सकता है कि लोग जब मैं एक्टिंग भी कर रही होंगी ना, लोगों को पता चलेगा अच्छा इसने ये तो कैरेक्टर प्ले कर रही है, शहनाज तो ऐसी है ही नहीं रियल में। तो मेरे लिए ये एडवांटेज भी है। जैसे स्टाइलिंग पे बहुत ज़्यादा आता है, बहुत दे वॉन्ट मी के लुक ये मेरे मेकअप हेयर को ये बताते हैं, ये हेयर होने चाहिए, उसके बाल मत बांधना, ये वो मुझे मेरे हेयर स्टाइलिस्ट बताते रहते हैं, ये मेकअप करना, दिस वन नॉट नाउ, डोंट रिपीट दिस एंड ऑल। तो मैं अब मुझे ना बंद करना बहुत पसंद है, तो मैं जब भी बोलती हूँ ना बंद कर दे प्लीज़, वो ईजी लगता है मुझे। तो मैं मत करो, मैं मुझे गालियाँ पड़ती है आपके फैन से। तो मैंने कहा यार मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है ना, मैम आप प्लीज़ यार ऐसे मत करो, रिक्वेस्ट है। आपको पता है बाल खुले, वो बेचारा मुझे मोटिवेट करता रहता है कि बाल मत बांधो प्लीज़।
इस फिल्म के बाद मैं ये डिसाइड नहीं कर सकती कि मेरा जो जर्नी है कहाँ जाएगी, मेरे ये मेरे ऊपर है, ये मेरे ऊपर है कि मुझे आगे अपने ऊपर कितना काम करना है और क्या करना है लाइफ में, कि मैं कैसे कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ और मैं उसके लिए क्या तैयारी कर रही हूँ, वो चीज़ें मेरे खुद पे डिपेंड करती है। मेरी एक फिल्म या फिर मेरी सेकंड लीड फिल्म और या फिर थर्ड लीड जो भी मैं कर रही हूँ वो डिसाइड नहीं करेगी कि मैं क्या क्या करूँगी आगे। आगे मेरा बहुत फ्यूचर है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे फिल्म्स मिलेगी अगर मैं अपने ऊपर अच्छे से मेहनत करूँगी। ये नहीं कि सलमान सर ने एंट्री दे दी, ओहो अब तो भाई नहीं, ये तो बिल्कुल झूठ है। जिनको लगता है कि एंट्री मिल गई बॉलीवुड में तो अब तो ये राइजिंग स्टार आगे बॉलीवुड में कंटिन्यू करेगी, आई विश कि मैं करूँ, बट मुझे पता है कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक बॉलीवुड मूवी मिली, सर ने स्टार्टअप दिया, अब तो मुझे एक आएगी ऑफर्स, ऐसा नहीं है। आजकल टैलेंट की कदर की जाती है और टैलेंटेड लोगों को ही मौका मिल रहा है। अब स्मार्ट हो गई है दुनिया एंड अपने डायरेक्टर एंड ऑल, आजकल तो पब्लिक भी स्मार्ट हो गई है।